दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब ने बनाया आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदने का रिकॉर्ड। पूरी दुनिया छोड़ पाकिस्तान पर आया पंजाबियों का दिल। आईपीएल 2023 के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, तो प्रीति की पंजाब ने मारा मौके पर चौका। पंजाब का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है आईपीएल 2023 का हिस्सा, बनने जा रहा है पंजाब का कप्तान। तो आखिर वो कौन है, कौन सा खिलाड़ी है जिसके आईपीएल में शामिल होने से ही विरोधी टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई है, और कितने करोड़ रुपए में डील हुई है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन जमाएगा 2023 आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा, कॉमेंट करके बताइए। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल का खुमार अभी से लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में नजर आने लगा है, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन के पहले ही सभी टीमों के रिटेंशन प्रक्रिया से गुजरने का समय बीत गया, जिसके तहत हर टीम में हमें कई बदलाव देखने को मिले हैं। कई खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हुई है, तो कई दिग्गज खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी है, और कई तो ऐसे बदनसीब खिलाड़ी हैं जिन्हें उन्हीं की टीम ने धक्का मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां दोस्तों, इन्हीं सब में यदि किसी की चांदी हुई है तो वो है पाकिस्तान और उनके खिलाड़ियों की। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि जैसे ही बीसीसीआई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने या शामिल होने का ऐलान करने जा रही है, वैसे ही बदलने जा रही है आईपीएल का इतिहास। और दोस्तों, मौके को भुनाना तो कोई पंजाब से सीखे। जहां आईपीएल में अभी भी अपनी पहली ट्रॉफी की तलाश कर रही पंजाब ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसे देखकर बाकी टीमें तो गहरे सदमे में आ गई हैं। दरअसल, पंजाब ने जब रिटेंशन प्रक्रिया में अपने कप्तान को छोड़ा तो सबसे बड़ा सवाल आया था कि अब कौन बनेगा उनका नया कप्तान, जिसके लिए उनके पास बहुत से विकल्प थे। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान के लिए अपना प्यार दिखाया, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी और उनके वर्तमान कप्तान बाबर आजम आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, खेलने के साथ ही साथ उनके नए कप्तान भी नियुक्त किए जाने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पंजाब की टीम कप्तान की तलाश कर रही थी, तो वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कुछ समय पहले तो दुनिया के नंबर वन T20 बल्लेबाज थे, और उन्होंने अपनी टीम को विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाया। और इन्हीं सबको देखते हुए आईपीएल में करोड़ों रुपए लुटाने वाली पंजाब किंग्स का भी जी ललचा गया पाकिस्तानी खिलाड़ी पर, और वो बाबर आजम को आने वाले सालों के लिए अपने साथ जोड़ने का ऐतिहासिक फैसला कर सकती है, जिसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए का बजट भी तैयार करना पड़ेगा, और कर लिया है उन्होंने। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए या फिर नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।